दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित टॉप 20 प्लस MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि DRDO, DMRC, रेलवे JEE, NTRO, NPCIL, NTPC सभी सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक MCQ का पार्ट 5 होगा। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। इसे यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि BCD नंबर 1100111 इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे BCD नंबर दिया है इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं 00111? तो हम क्या करते हैं कि BCD जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 44 नंबर का पेयर बनाते हैं। ठीक, 44 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, तो 4 इधर और जो रिमेनिंग बचा ये इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 4। 0 तो 0 हो जाएगा, 0 1 9 2 4। ठीक, तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और ये हो गया 7। ठीक, तो हमारा हो जाएगा क्या, 67। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्विचिंग फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल आर, यानी कि जो हमारे 3 वेरिएबल हैं उसमें कितने नंबर ऑफ स्विचिंग फंक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये होता है 2 की पावर n। ठीक, तो 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा हमारा 8, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनपुट टू द पैरिटी डिटेक्टर इज 1001, द आउटपुट इज, ये क्या है, इनपुट दिया है किस पर, हमारा पैरिटी डिटेक्टर पर, कितना है, 0 1 1। ठीक, तो आप पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक, तो इसका आउटपुट होगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 1 है, 1 और 2 इवन नंबर है, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। पैरिटी डिटेक्टर पर का हमारा आउटपुट क्या होता है कि 1 तब होता है जब 1 की संख्या ऑड होती है, और 0 कब होता है, जब हमारी 1 की संख्या इवन होती है। तो यहाँ 1 की संख्या 1 और 2 है, ये इवन नंबर है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 4 इनपुट ऑर गेट द टोटल नंबर ऑफ हाई आउटपुट फॉर द 16 इनपुट स्टेट आर, यानी कि हमारा 4 इनपुट ऑर गेट है जिसका हमारा 16 आउटपुट होगा, और उसमें मैक्सिमम हाई आउटपुट कितना होगा, जैसे कि हमारा 0 0 0 0 एक इनपुट हो गया, 0 0 0 1 इनपुट, तो ऐसे जो हमारा 16 इनपुट होते हैं उनके लिए मैक्सिमम हाई इनपुट कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 इनपुट होगा। क्योंकि अगर हमारा एक भी इनपुट हाई होगा, यानी कि 0 0 0 1 एक भी इनपुट हाई होगा, इसके लिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। केवल एक इनपुट है 0 0 0 0 इसी पर हमारा क्या होगा, लो होगा। ठीक, यानी कि 0 हमारा आउटपुट आएगा, और सभी पे हमारा इनपुट क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड फॉर ए मोड 6 काउंटर आर, ये क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड फॉर ए मोड 6 काउंटर आर, यानी कि मोड 6 काउंटर बनाना है तो हमें कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर n हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो अगर हमें n की वैल्यू ऐसी रखें कि हमारा 6 के करीब आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ 3 रखते थे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी मॉड 6 बनाने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए 16:1 मल्टीप्लेक्सर हैज हाउ मेनी सेलेक्ट इनपुट लाइन, यानी कि हमारा 60:1 क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, इसमें हमारा नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी होगी। तो यहाँ भी होता है कि हमारा 2 की पावर n, ठीक, होगा हमारा क्या, 16। तो अब यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे कि 16 आ जाए, तो n की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, 16 आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ सेलेक्ट नंबर ऑफ लाइन हो जाएगा 4, इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। ठीक, यानी कि पैरेलल से सीरीज कन्वर्टर के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो हमारा होता है क्या, मल्टीप्लेक्सर, यानी कि मल्टी ऐसे इनपुट है और इसको हमें क्या करना है कि एक सिंगल आउटपुट में निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर निकालते हैं। जब सिंगल से ज़्यादा में आउटपुट निकालना होता है तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए 4-bit डाउन काउंटर कैन काउंट फ्राम, यानी कि एक 4-bit डाउन काउंटर है वो कहाँ से काउंटिंग अपना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो डाउन काउंटर इसका मतलब कि मैक्सिमम से हमारा क्या होगा, मिनिमम तक जाएगा। अब 4-bit है तो मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा, 0 से 15 क्या हो जाएगा इसका हमारा रेंज हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 15 हो गया। 15 से ये 0 तक काउंट करेगा, तो इसका मतलब कि हमारा बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 to 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ FF इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द नंबर इन डेसिमल सिस्टम, यानी कि हमारा FF दिया है, इसको यदि हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो FF की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 15 होती है। ठीक, तो F और F की वैल्यू क्या होती है हमारा, 15 होती है, तो हम इसको अब कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में, और ये हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है FF, तो 15 × 16 की पावर 0 प्लस। ठीक, 15 × 16 की पावर n, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा आएगा 200, मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आएगा 255। ठीक, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन फुल एडर आर, यानी कि जो फुल एडर सर्किट होता है उसमें हमारा इनपुट और आउटपुट कितना होता है, तो इसमें हमारा इनपुट क्या होता है कि 3 होता है और आउटपुट भी क्या होता है हमारा, माफ़ कीजिएगा, इसमें इनपुट क्या होता है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 3 and 2 होगा, तो इनपुट हमारा हो जाता है क्या 3 और आउटपुट हो जाएगा हमारा फुल एडर का क्या, 2। ठीक, तो 3 and 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन ए फुल एडर आर, तो इनपुट हो जाएगा हमारा क्या, 3, फुल एडर में हमारे 3 इनपुट आएंगे और आउटपुट हमारा एक सम और एक क्या होगा, कैरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस ए डैश बी, ये क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए और ए हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा 1 + b शेष बचेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो अब हमारा क्या बचेगा, ए ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डिवाइस 1 शॉट हैज, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें 1 शॉट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 stable state या 1 stable state, आइदर 1 or 2, नो स्टेबल स्टेट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 stable state, ऐसी डिवाइस जिसमें 1 शॉट होते हैं उसको हम बोलते हैं 1 stable state डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बराबर इतना देन ए डैश इज, यानी कि ए है हमारा क्या 0 1 0 1, ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ए शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग ए बिट 1 bit मीन्स, यानी कह रहा है कि इन ए शिफ्ट रजिस्टर में, ये थोड़ा गलत लिख के शिफ्ट रजिस्टर होना चाहिए, इन ए शिफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग 1 bit by 1 bit मीन्स, यानी कि हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर होता है इसमें हम 1 bit राइट को शिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, माफ़ कीजिए, शिफ्ट इन ए शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग ए बिट 1 by 1, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ दिया है कि अगर हम शिफ्ट रजिस्टर में क्या करते हैं कि 1 bit लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं तो वहाँ हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ होगा डिवीजन बाय 2, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 या सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राइट शिफ्ट
यानी होता है राइट शिफ्ट, मतलब होता है कि हमारा डिवाइड बाई टू। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग ए बिट बाई वन बिट मीन्स, यानी कि हम शिफ्ट में क्या करते हैं कि लेफ्ट रजिस्टर को एक बिट शिफ्टिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लिकेशन बाई टू होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यदि यहीं पे राइट होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारा डिवीजन बाई टू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ए शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग ए बिट बाई वन बिट, देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लिकेशन बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए नॉर गेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, ए नॉर गेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ। ठीक, तो हमारा जो नॉर गेट है एक किसका किसका कम्बिनेशन होता है, तो ये आर और एंड गेट का कम्बिनेशन होता है। ठीक, एंड कह रहे हैं नॉर है ना, तो नॉर, तो हमारा आर एंड नॉट गेट का क्या होता है कम्बिनेशन होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और एंड नॉट गेट का क्या होता है कम्बिनेशन होता है हमारा नॉर गेट। ठीक, नेक्स्ट है कि टीटीएल इन्वर्टर है, यानी कि टीटीएल जो इन्वर्टर होता है उसमें कितने इनपुट होते हैं, वन टू व थ्री, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू इनपुट होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा क्या डाटा इनपुट, एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन इन 16:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये शायद क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर सक चुके हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 2n = 16। ठीक, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले द सेगमेंट ए बी सी डी ई एफ जी आर लिट, यानी कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिसमें हमारे ए बी डी एफ जी एलिमेंट क्या कर रहे हैं कि ग्लो कर रहे हैं, जल रहे हैं, तो हमारे कौन से नंबर डिस्प्ले होगा, तो हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक, ऐसे ये होता है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, अब कह रहा है कि ए सी ठीक डी और हमारा एफ और जी, ये सेगमेंट क्या करें डिस्प्ले हो रहा है, तो कुछ हमारा ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे बनेगा, यानी कि हमारा 5 की तरह नंबर डिस्प्ले होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए 8-बिट फ्लैश एडर, यानी कि 8-बिट फ्लैश एडर बनाना है तो हमें कितना नंबर ऑफ कंपैरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2n - 1 होता है, तो ये हो जाएगा 256 - 1 = 255, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड ऑन, यानी कि जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं उसमें हमारा आउटपुट किस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनपुट कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम, यानी कि उस समय जो हम इनपुट देते हैं, इनपुट का कॉम्बिनेशन देते हैं, उसी पे हमारा क्या होता है कि आउटपुट डिपेंड करता है, किसमें कॉम्बिनेशन सर्किट में, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।